एक शख्स थे जिनका नाम था मैलकॉम मैकलिन। उन्होंने पहली बार 1956 में शिपिंग कंटेनर्स को इन्वेंट किया। मैकलिन ब्रेक बल्क स्टाइल के कंपैरिजन में शिपमेंट हैंडलिंग का ज़्यादा अच्छा तरीका ढूंढना चाहते थे। उनका ये कंटेनर स्टाइल रिवॉल्यूशनरी था क्योंकि इसमें स्टैकिंग आसान थी और उठाने के लिए बाहरी कोने शामिल थे। ऐसा एस्टिमेशन है कि सभी शिपिंग कंटेनर्स में से लगभग 97% कंटेनर्स चाइना में बने हैं। ये माना जाता है कि अगर शिपिंग कंटेनर्स का अच्छी तरह ध्यान रखा जाए और रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए तो वो 30 ईयर्स तक ख़राब नहीं होते। कंटेनर्स का एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 20 फीट, जिसको हम एक TEU बोलते हैं, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। मतलब आज के टाइम का सबसे बड़ा कंटेनर शिप जिसका नाम है HMM अल्जेसिरस, वो 24,000 TEU का है। इसमें 20 फुट के ऑलमोस्ट 24,000 कंटेनर्स एक टाइम पर कैरी कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट का कंटेनर 3,500 शू बॉक्सेस स्टोर कर सकता है, वहीं 40 फीट का कंटेनर 8,000 शू बॉक्सेस स्टोर कर सकता है। हर साल बैड वेदर या एक्सीडेंट्स की वजह से समुद्र में कंटेनर्स खो जाते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर साल 2,000 से 10,000 कंटेनर्स खोते हैं। 745 मिलियन बनाना स्टोर करने के लिए लगभग 15,000 शिपिंग कंटेनर्स लगते हैं। पूरे 15,000 शिपिंग कंटेनर्स को एक बड़े कंटेनर शिप पर लोड किया जा सकता है। दुनिया में हर समय लगभग 20 मिलियन शिपिंग कंटेनर्स शिप्स पर ट्रैवल कर रहे हैं। एक एवरेज कंटेनर शिप 16 दिनों में मलेशिया से लॉस एंजलिस पहुंच जाता है, जिसमें ये रफली 9,000 माइल्स मतलब 14,484 किलोमीटर्स कवर करता है। शंघाई का पोर्ट दुनिया का सबसे बिजी पोर्ट है। 2013 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पोर्ट पर 33 मिलियन कंटेनर्स को एक साल में हैंडल किया गया था। अगर दुनिया के सारे कंटेनर्स को एक के पीछे एक जोड़ दिया जाए तो वो अर्थ को दो बार लपेट सकते हैं। मैक्सिको में एक सिटी है जो 48,000 स्क्वायर फुट की है। इस सिटी का नाम कंटेनर सिटी रखा गया है क्योंकि इसमें अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स, आर्ट गैलरी, सारी चीज़ों को बनाने के लिए कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया है। ज्यूरिश में फ्राइटेक स्टोर है जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 26 मीटर्स लंबी है जो कि कंटेनर्स से बनी हुई है। इसमें 19 कंटेनर्स का यूज़ किया गया है, जिसमें 9 कंटेनर्स को एक के ऊपर एक रखा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके।